मैंने इतना अच्छा शहर नहीं देखा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि 3 साल 4 साल सुन लिया इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है। थोड़े इंदौर वाले थोड़ा जोश तो दिखाओ, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर 6 स्ट्रेट ईयर्स। तुमने सालों ने सर्वे खरीदा है, सीधी सी बात है। अरे भाई, क्लीनेस्ट में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं गिनते, मलबे को भी गिनते हैं, ठीक है। हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। ये नहीं पता कि उधर कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि गंदगी है, मैं दैट इज़ नॉट माय पॉइंट। बट इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, आई लाइक भोपाल मच बेटर यार, मतलब एंड हाँ, मतलब वो इट हैज़ गॉट लेक्स, वो नेचुरल टोपोग्राफी बेटर है। थैंकफुली वो मेट्रो नहीं बना रहे, या मतलब जहाँ बना रहे हैं वहाँ मैं गया नहीं एटलीस्ट। एंड लोग मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं, बट 10 बजे के बाद भोपाल में करने को कुछ नहीं होता। आई अग्री, मैं वैसी दारू नहीं पीता, मेरे पास भी 10 बजे के बाद कुछ करने को नहीं होता, राइट। सो 10 बजे के बाद जो यहाँ पे हरकतें हो रही हैं, दैट डोंट काउंट फॉर मी। सो या आई लाइक भोपाल बेटर। सर ने लिखा है कि उनको बुक रीडिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, फिर भी सर ने बेस्ट सेलिंग बुक लिख डाली है, तो सर ये क्या दोगलापन है यार? अब हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता ना, वही वाली बात है कि मतलब मैं तो लोगों को बोलता हूँ क्लियरली, आई एम प्रॉब्ली द वर्स्ट वर्स्ट रेड ऑथर। मतलब मेरे को लगता है कोई भी अच्छे ऑथर होंगे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी किताबें पढ़ी होंगी, फिर उनकी स्किल पूरी लिखने की। मैंने साले एक किताब नहीं पढ़ी, ठीक है। मतलब मेरे को कोई मर्जी, मतलब मेरे को याद भी नहीं, मैंने कॉलेज के टाइम भी मे बी 2 नॉवल पढ़ ली होंगी कभी, मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता, ठीक है। मैं टीवी देख सकता हूँ जितना दिखा लो, मैं यू नो इंटरनेट सोशल मीडिया कर सकता हूँ जितना करा लो, बट आई कांट यू नो रीड। बट जब पैसे कमाने की आती है वो आता है, ठीक है। तो किताब लिखी तो यू नो इट्स द बेस्ट सेलिंग ऑटोबायोग्राफी एवर इन इंडिया। मैं 1 लाख कॉपी वैसे बेच चुका हूँ, 23 लाख ऑडियो कॉपीज बेच चुका हूँ कुकू FM पे, एंड होपफुली अब एक पिक्चर भी बना लूँगा। तो मैं मोनेटाइज तो कर लिया है, मोनेटाइजेशन आता है, बट या आई डोंट रीड एट ऑल। तो सर, सर को करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर को इलॉन मस्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हमेशा गवर्नमेंट की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, सर बड़े ओपनली चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, और बड़ी ही आउटस्पोकन एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी है सर की। तो सर, व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी टेकन इन टू अकाउंट व्हाइल हैविंग सच एन आउटस्पोकन पर्सनालिटी? नहीं, पहली बार मैंने सरकार को कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तू साले मेरी पार्टी, मेरे को इलेक्शन में जो टिकट मिलनी थी वो भी कटवा देगा मेरी, ऐसी अफवाहें फैला फैला के। नहीं यार, सी मेरे को ये लगता है कि इंडिया में ना लोग फट्टू बहुत हैं, ठीक है। लोगों को लगता है अरे हम बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एंड मेरे को लगता है कि सुन कौन रहा है, मतलब तुम जो मर्जी बोलते रहो, ठीक है। तो लोग, एंड स्पेशली बिजनेसमैन में क्या है कि सबके बिजनेस डिपेंडेंट हैं ऑन सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंसिंग या अप्रूवल। तो तुमको ये, तुम अपने ना किसी से फालतू का पंगा नहीं लेना चाहते, आप ये नहीं बोल रहे कि आप बैल मुझे मार, ठीक है, वो नहीं करना किसी को। तो मैं आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड जब लोग, एंड स्पेशली जो ट्रेडिशनल लेगेसी बिजनेस है जहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इफ़ दे डोंट वॉन्ट टू बी सीन सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। मैंने जो बिजनेसेस बनाए वो स्टार्टअप बिजनेसेस थे, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता कि बन क्या रहा है, रेगुलेशन बाद में बनती है। सब स्टार्टअप बिजनेसेस में ये हुआ है कि धंधा पहले बना है, रेगुलेशन बाद में बनी है। सो यू हैव दैट लग्जरी ऑफ नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, राइट। एंड दूसरी चीज़ मेरे को लगता है, यू नो पीपल आर नॉट विंडिक्टिव, या कोई इतने वेले नहीं बैठे कि हाँ जी अब इसने ऐसे बोल दिया हम इसके साथ ऐसे करेंगे, इतना कुछ नहीं होता है। लास्ट आई चेक वी वर स्टिल इन अ डेमोक्रेसी, राइट। अब कुछ बकवास है तो मैं लिखूंगा ही ना। अब सिंपल सी बात है, मैंने कल परसों में एक ट्वीट डाला, मैंने
कम से कम 5 स्टार्टअप जहाँ पे मैंने पैसे डाल रखे हैं पिछले 1 महीने में मेरे को ईमेल कर चुके हैं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दे दो 3 साल की। अब साला मैं शेयर होल्डर, कहीं पे मैंने 25 लाख डाले, कहीं पे 50 लाख डाले, कहीं पे 1 करोड़ डाले, मैं तेको 25 लाख की इन्वेस्टमेंट के पीछे अपनी जन्म पत्री क्यों खोल के दूंगा भाई कंपनी को? तो स्टार्टअप कंपनी है। और मैंने बोला क्यों मांग रहे हो? इनकम टैक्स के नोटिस आए हुए हैं। अब इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं? अपने शेयर होल्डर का जाके 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न निकाल के आओ। अब कोई लॉजिक ही नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने बैठ के अडानी के शेयर्स खरीदे, 1 शेयर खरीदा, अब इनकम टैक्स वाले आके बोलेंगे आपके पास अडानी का 1 शेयर है, आप मेरे को बताओ जी आपकी आपकी इनकम क्या है, मेरे को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न दो। ठीक है, तो मैंने सिंपल ये जाके बोला यार ये तो मतलब इन सम वे हैरेसमेंट है, आप मांग भी कैसे सकते हो यार? आप आपको मांगना है मेरे से डायरेक्टली मांगो। ठीक है, आप दूसरे बंदे के थ्रू मेरे से कोई चीज़ मांग रहे हो तो उसके हाथ में भी आ गई ना वो चीज़, अब मैं कैसे कंट्रोल करूँगा किसको दिखा रहे हैं क्या कर रहे हैं? तो मैंने कल डाला, फिर इनकम टैक्स वालों ने रिप्लाई उसका रिस्पॉन्स करा कि नहीं 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 घुमा दिया, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अंग्रेजी जैसे ये इंट्रोडक्शन वाली अंग्रेजी थी ना वैसी थी। ठीक है, कि कुछ है नहीं बट कुछ बोल दिया। ठीक है, और उसमें लिख दिया कि आप पैन भी दे दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, मैंने बोला यार फिर साले पैन मांगो ना, पहले आ गए हो इनकम टैक्स रिटर्न दे दो, इनकम टैक्स रिटर्न में से पैन नंबर निकालना था क्या तेरे को? तो यू नो एंड यू हैव टू स्पीक अप यार। यस, मतलब अगर एंड ये तो 5 कंपनी वो थी जिनमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, अब मार्केट में कम से कम 100 लोगों को नोटिस गया होगा, कल के ट्वीट के बाद एटलीस्ट उनकी लाइफ तो सॉल्व हो गई ना। चलो ठीक है, मैं बुरा बन गया, ठीक है 4 लोगों ने गाली दे दी कि यार तू क्यों चौधरी बन रहा है, जो मर्जी है, बट जो प्रॉब्लम में था उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। बोल रहा है ये लो पैन नंबर लो भाड़ में जाओ, क्लियर हो गया। ठीक है, सो समटाइम्स यू हैव टू टेक अ स्टैंड।